नमस्कार मित्रों, एक देश के जनतंत्र की आत्मा उसका संविधान होता है। संविधान रहित देश में जनतंत्र की जगह तानाशाही ले लेती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र देश है। इस देश को जनतांत्रिक बनाने में हमारे संविधान का ही योगदान है। संविधान क्या है? संविधान को सही मायने में समझा जाए तो ये किसी भी देश का मौलिक कानून होता है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। देश में कानून और उसी देश के नागरिकों के अधिकारों की सूची इस संविधान में लिखी जाती है। अब हम आते हैं गणतंत्र दिवस पर। हमें आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, तो ये 26 जनवरी 1950 को ऐसा क्या हुआ था कि हम उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं? 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ है भारत देश पर आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश राजा या रानी का राज होना। अब एक साल तक ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार नहीं है और उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पंडित नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे देश का तिरंगा फहराते हुए भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा देकर भारत को ब्रिटिश सरकार से आज़ाद घोषित किया। 3 जनवरी 1930 के दिन ये प्रस्ताव रखा गया कि जनवरी के आखिरी रविवार को सारा देश आज़ादी दिवस मनाएगा। अब आखिरी रविवार का दिन था 26 जनवरी। तब उसी दिन सारे देशवासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, परंतु हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। चलो, आज़ादी तो मिल गई और स्वतंत्रता दिवस भी मिल गया। अब इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए। अब आते हैं संविधान पर। हमारे देश का संविधान बनना आरंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उनके अलावा इस कमेटी में 6 और मेंबर्स थे। कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद हमारा संविधान तैयार हुआ और भारत में इसे लागू किया गया। वो दिन था 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, परंतु ये तो हमारा गणतंत्र दिवस नहीं है। प्रस्ताव ये रखा गया कि 26 जनवरी 1930 को हमने भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया था, तो 26 नवंबर को न मनाकर हम 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया घोषित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, और ऐसे हमें गणतंत्र दिवस मिला। हमारे संविधान में हम ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, आयरलैंड, वेमर रिपब्लिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन्स, साउथ अफ्रीका और जापान के संविधान की झलक जरूर देखेंगे। इस दिन हम देश में अलग अलग प्रकार के आयोजन करते हैं। कहीं पाठशालाओं में तिरंगा लहराकर देशभक्ति के गानों पर नृत्य का आयोजन होता है, तो कहीं देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। आप घर बैठकर दूरदर्शन पर देशभक्ति फिल्म देख सकते हैं। इस देश की सुंदरता का श्रेय उसके संविधान को ही जाता है। अपने सबसे उच्च प्रतिनिधि को हम चुनाव के द्वारा चुनते हैं। एक नागरिक होने के नाते सारे अधिकार और उनका पालन हम संविधान से ही समझते हैं। इतनी आबादी और विभिन्नता है, परंतु संविधान में हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। ये है इस देश की सुंदरता। हम नागरिक ही हैं जो इस देश को चलाते हैं। हम अपने वोट में सारा पावर समेटे हुए हैं। ये एक किताब की ताकत है जो हमें ऐसी प्रेरणा देती है। संविधान में तो हम सब बराबर हैं, परंतु क्या हम सच में बराबर हैं? सोचने वाली बात है। भारत का संविधान ही है जो हमें सही उत्तर दे सकता है। तो आइए, इस गणतंत्र के अवसर पर हम एक प्रण लें। इस देश में संविधान के अस्तित्व को हमेशा बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।